हेलो फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कच्ची दाबेली। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कच्ची दाबेली बनाने के लिए मैंने जो सामान लिया है वो है पाव, आलू 250 ग्राम, अनारदाना, हरी धनिया, प्याज बारीक कटा हुआ, मूंगफली के दाने मसाले वाले, टूटी फ्रूटी, हरी चटनी तीखी और मीठी इमली की चटनी, 0 नंबर की ये सेव है, घी, अमचूर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, भुना जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और दाबेली मसाला। इसको बनाने के लिए मैं पैन में पहले 2 से 4 चम्मच तेल गरम कर लूँगी। ये मैंने तेल गरम कर लिया है, इसी में मैं डाल दूंगी भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसमें मैं ये भुन गया, इसी में मैं ये आलू डाल देती हूँ जो मैंने कद्दूकस करके रखे हुए हैं एकदम बारीक। मैं इसमें मिक्स करूंगी। इसी में अभी मुझे सारे मसाले डालने हैं। इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, आप जैसा तीखा खाएं। अमचूर पाउडर 1/2 स्पून, गरम मसाला 1/4 स्पून, नमक टेस्ट अनुसार थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि दाबेली मसाला में ज़्यादा होगा, इसलिए मुझे कोई 1 से 1.5 चम्मच दाबेली मसाला मिक्स करना है। और ये इसमें 1/2 स्पून चीनी के दाने डाल लेती हूँ जो कि मैं बताना भूल गई थी। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जल्दी और इजली बनती है। इसी में मैं कुछ पत्ती धनिया पाउडर डाल देती हूँ। हरी धनिया डाल दी मैंने, इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें आप थोड़े से अंगूर भी काट के डाल सकती हैं, अनार दाने मैं डालूंगी थोड़े से, इसमें कुछ दाने अनार के मिक्स करूंगी, कुछ टूटी फ्रूटी मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और अब इसके बाद मैं दाबेली बनाऊंगी। ये मसाला तैयार है। इसको बनाने के लिए मैंने ये पाव ली है जो कि मैंने बीच से काट ली है। ये देखिए, आप पाव को बीच से काट लीजिए। अब इसमें एक तरफ मैं तीखी चटनी और एक तरफ मीठी चटनी लगाऊंगी। आप अगर तीखा ना खाएं तो मीठी चटनी भी खाली लगा सकते हैं केवल। अब इसी में मैं थोड़ा सा मसाला भरूंगी, ये 1/2 स्पून तक मसाला भरना है इसमें। कुछ प्याज मसाला भी इसे लगाना है दोनों तरफ, प्याज भी लगाना है, मूंगफली के दाने, अनार दाना, टूटी फ्रूटी, ऐसे दबा के मुझे रेडी कर लेना है। अब मैं पैन में घी डालूंगी थोड़ा सा सेकने के लिए, ऐसे घी लगाऊंगी। घी की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं। इसी में मैं इसको सेकूंगी, अच्छा करारा हो जाएगा ये। और मैं एक रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से लगाइए, मसाला दोनों साइड में लगाना है।
ऑनियन लगाना है, टूटी फ्रूटी, सेंगदाना, ऐसे पुश करके इसको इस पर मैं सेकूंगी। इस पर ऐसे बटर लगा देती हूँ। सिक गई है, इसको अब मैं पलट लूँगी, इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेती हूँ। ये अच्छा सा क्रंची हो जाएगा और गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए इधर भी सिक गया है, अभी इसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको उठा लेती हूँ। ये मैंने जो जीरो नंबर के सेव लिए हैं इस पे ये लगाना है, इसको ऐसे करके लगाना है, ऐसे मैं डाल देती हूँ। इसको मैं प्लेट में लगाती हूँ। अभी ये कच्ची दावेली रेडी हो गई है। मैंने इसके ऊपर चीज़ डाला हुआ है, आप भी चीज़ भी डाल सकते हो, बिना चीज़ के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है, इसको आप गरम गरम सर्व कीजिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी दिखने में लग रही है। आप इसको बच्चे बहुत ही लाइक करेंगे, बच्चों के लिए तीखा कम डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।